भाजपा के द्वारा ओबीसी मुद्दे को लेकर निलंबित किए गए 12 विधायकों पर कार्रवाई को वापस लेने की मांग लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार की पुतला दहन आंदोलन किया गया। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक समाज महासभा ने ओबीसी समाज के आरक्षण को लेकर तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस और भाजपा जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए चगनाड़ी चौक पर निषेध किया। आंदोलनकारियों ने कहा कि ओबीसी जनगणना का इंपीरियल डाटा केंद्र सरकार से मांगने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के विधायकों ने विरोध किया, जिससे ओबीसी समाज का मन दुखी हो गया है। इसलिए भाजपा के रवैये का तीव्र निषेध करते हैं। प्रदेश सचिव रुपेश बागड़े ने कहा कि केंद्र सरकार से इस संदर्भ में जवाब पूछना नहीं और उलट आधी अधूरी व गलत जानकारी जनता के सामने रखकर गुमराह करने का काम भाजपा द्वारा किया जा रहा है। मांग हमारी ये है कि कल आपने जो देखा था कि ओबीसी जो ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है, राजकीय आरक्षण का, जो आपने आपको पता ही है कि गए 2 सालों से इसको स्थगित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद अब पिछली बार अपन ने देखा कि स्थगित होने के बाद आरक्षण के लिए काफ़ी आंदोलन मोर्चे हर पक्ष की तरफ से होते रहे हैं। उसमें भाजपा ने भी इसके पहले काफ़ी बार आंदोलन किया है। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने चक्का जाम भी किया। उनका मानना यही था कि वह हमारा समर्थन ओबीसी के लिए आरक्षण के लिए है। उसके बाद जब वो विधिमंडल में, लेकिन ओबीसी का जो भी आरक्षण का जो प्रस्ताव है वो रास्ते पर नहीं होगा, वो विधिमंडल में न्यायिक प्रक्रिया के जरिए हो सकता है। तो कल उन्होंने एक ठहराव मंजूर किया है केंद्र सरकार के लिए कि वो जो इंपोर्टेड डाटा जो केंद्र सरकार के पास रहता है वो हुए बगैर वो ओबीसी का आरक्षण मिल नहीं सकता। इसीलिए जो ठहराव उन्होंने मंजूर किया तो सर्वसम्मति से वो ठहराव प्रस्तावित होने वाला था, लेकिन भाजपा ने उसका विरोध किया। आपने देखा कि उन्होंने जाके जो सभापति अध्यक्ष महोदय थे उनका माइक वगैरह छीना गया है। तो इसके निषेध में हम भाजपा का आज विरोध करते हैं और हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि वो आने वाले समय में ओबीसी के आरक्षण के लिए आप सर्वसम्मति प्रदान करें। अन्यथा आज हमने यहाँ पे हमने संताजी महाराज जगनाड़ी महाराज चौक में जो आंदोलन किया है, कल ऐसा ना हो कि हम उनके घरों पे जाके आंदोलन करें। आंदोलनकारियों ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से मुख्य विषय को छोड़कर भाजपा व उसके विधायक ओबीसी जनता को गुमराह कर रहे हैं। ओबीसी मराठा और दलित बांधों के बीच आपसी द्वेष निर्माण करने का कार्यक्रम 2 वर्ष से चलाया जा रहा है। सत्ता से दूर हो गए फडणवीस और उनकी मंडली यह कार्य कर रही है। रास्ते पर उतरकर ओबीसी आरक्षण के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं और जिस सदन में कानून तैयार होता है वहां विरोध कर रहे हैं। भाजपा का यह दोगलापन जनता के सामने उजागर हो गया। नंदनवन चौक में भी भाजपा और उसके विधायकों के खिलाफ निषेध प्रदर्शन किया गया। इसमें सुखदेव वंजारी, आदित्य पांडे समेत बड़ी संख्या में समाज बांधव शामिल हुए। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।